यार आप मुझे दीवाना है सरकार बना दे। अहमद भाई बहुत अच्छा आप सुनते हैं, कम होना बुरी बात नहीं है, कम सोचना बुरी बात है। यार अब मुझे जोहर भाई, यार अब मुझे दीवाना है सरकार बना दे, यार अब मुझे दीवाना है सरकार बना दे, दिलिश्के मोहम्मद का गिरफ्तार बना दे। बीमारी को मैं लाया हूँ कि यार अब मुझे दीवाना है सरकार बना दे, दिलिश्के मोहम्मद का गिरफ्तार बना दे, आते हैं मरीजों की अयादत को मोहम्मद, दीदार की खातिर मुझे बीमार बना दे। नहीं नहीं थोड़ा सा बेदार हो जाइए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए भैया, थोड़ा सा मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा बेदार हो जाइए, मैं मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा लीजिए अहमद भाई, इससे अच्छे मिसरे के लिए दिल में जब उगज़े हैदर एक कर्रार बैठे हैं, लिए दिल में जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ थोड़ा सा बस थोड़ा सा बेदार हो जाइए ताकि मैं मिसरे पहुंचा दूं। भैया भाई थोड़ा आगे अंदर आ जाएंगे तो हौसला बढ़ जाएगा, अंदर आ जाएंगे तो हौसला बढ़ जाएगा, वरना बाहर वालों की मिसाल ऐसी है कि वो जन्नत देख रहे हैं मगर जन्नत में जा नहीं रहे। उनकी मिसाल यही है कि वो जन्नत देख रहे हैं मगर जन्नत में जाने नहीं। कोई बात, अगर वो ये सोचते हैं कि लिए बात छपरवी शेर ना पड़ेगा उनके आने की वजह से, तो मैं उनके ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ जो बैठे हैं उनको देख के पढ़ रहा हूँ। खुदा की कसम मैं मिसे नजर कर रहा हूँ के लिए दिल में जो बुग़्ज़े हैदर कर्रार बैठे हैं, जहन्नम में वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं, कहाँ भागेगा बच के मौत से कातिल सरवर के खुद ही मौत बन के तख्त पे मुख्तार बैठे हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, थोड़ा बोल देंगे आप तो बात आप तक पहुँच जाएगी। भाई थोड़ा सा भाई, ये गुटखा खाने वालों से बहुत परेशान है, अल्लाह करे कि गुटखे की फैक्ट्री में आग लग जाए। ऐसा भाई ये दुआ है खुदा की कसम, क्योंकि जो चीज़ इश्क हुसैन में बोलने में खलल डाले खुदा की कसम उसे तर्क कर देना चाहिए जो चीज़। और मेरे भाई याद रखिएगा, जुबान वो नहीं होती जो हर जगह बोले और यहाँ आने के बाद बेहोश हो जाए, जुबान है ही वो जो लिसानुल्लाह की ताईद में उठ जाए। खुदा की कसम वही है जुबान जो लिसानुल्लाह की ताईद में उठ जाए। नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ कि विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ। हिम्मत भाई भाई के विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, अली के इश्क में कुछ कर गुजरना चाहता हूँ। विला का बहर है तह में उतरना चाहता हूँ, अली के इश्क में कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, सुना है मैंने के आते हैं वक्ते मौत अली। अरे कहाँ पढ़ूँ कहाँ पढ़ूँ, सुना है मैंने के आते हैं वक्ते मौत अली, ये बात है तो मैं हर रोज मरना चाहता हूँ। ये बात है तो मैं हर रोज मरना चाहता हूँ। ये बात बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चाहता हूँ। अभी आपने शायद मुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा, अब देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ। जब तक डायरी होती है मैं बहुत कमजोर पढ़ के पढ़ता हूँ, अब डायरी छूट गई है कि ना तीरो तबर तेज ना तलवार से लड़ना, पहुंच जाए तो हाथ उठा दीजिएगा। देखिए वो गुटखा थूकने जा रहे हैं कि ना तीरो तबर तेज ना तलवार से लड़ना, आप मेरे लिए काफी है मैं आपके लिए काफी हूँ। कि ना तीरो तबर तेज ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा के गुफ्तार से लड़ना बहुत बड़ी बात है। अहमद भाई एक सवाल है कौम से कि इंसान मर जाए तो बिछती है सफ़े मातम, मगर किरदार मर जाए तो मातम क्यों नहीं होता। देखिए अख्तर भाई आ गए हैं। अख्तर भाई मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था, आप शेर सुनिए। के ना तीरो तबर तेज ना तलवार से लड़ना, ना तीरो तबर तेज ना तलवार, गौहर खड़े हो जाओ पहले। देखो मैं एक मिसरे धीरे पढ़ूंगा एक मिसरे जोर से, तुम्हारी ड्यूटी बढ़ा रहा हूँ, जब मैं जोर से पढ़ूँ तो एक बार कैमरा घुमा देना ताकि मैं बाद में जब यूट्यूब पे अपलोड करूँ तो मैं देख लूँ कौन बोल रहा था कौन नहीं बोल रहा था। ड्यूटी बढ़ा रहा हूँ कि ना तीरो तबर तेज ना तलवार, अख्तर भाई को पहले दिखाना, ना तीरो तबर तेज ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, ए इब्ने ज़ियाद इसको दुआ ज़हरा ने दी है। पता नहीं आप कहाँ होंगे, ए इब्ने ज़ियाद
इसको दुआ जहरा ने दी है, तू सोच के तू हजरत मुख्तार से लड़ना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपकी क्या बात है चचा 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 चचा, माजरत के साथ एक मिनट बैठ जाइए, उसके बाद काट लीजिएगा जी। बस चचा आप देखिए, चचा को बूढ़ा ना समझिएगा, चचा बुजुर्ग है। बूढ़ा तो अबू लहब अबू जहल होता है, बुजुर्ग जनाब अबू तालिब होते हैं। आप आ गए हैं तो मैं अपने मिसरे आपको नजर कर रहा हूँ कि कर्बोवला की जंग में जहरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया, ये आले मोहम्मद की मोहब्बत का असर था। एक बूढ़ा सवा लाख पे हावी नजर, अरे क्या बोलूं, पर के ना तीरो तबर देख ना तलवार से लड़ना, गौहर ना तीरो तबर देख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, इब्ने ज़ियाद इसको दुआ ज़हरा ने दी है, कुछ सोच के तू हजरत मुख्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शमी ये पुकारे, हो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। थोड़ा आगे आ जाओ, बस थोड़ा सा आगे आ जाओ के हो मौत की चाहत, हो मौत की चाहत। अच्छा अब मैं धीरे से पढ़ूंगा, अब मैं धीरे से पढ़ूंगा, आप जोर से सुन लीजिएगा। ना तीरो तबर देख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, इब्ने ज़ियाद इसको दुआ ज़हरा ने दी है, कुछ सोच के तू हजरत मुख्तार से लड़ना। दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, वो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। अब मैं धीरे पढ़ूंगा, देखूं आप कैसे सुनते हैं। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, अरे कहाँ पढ़ूं, हाँ पता नहीं आप कहाँ होंगे। बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हर कितना कभी हैदर कर रहा से लड़ना। होंगे बचपन में सबक माँ ने ये मरहब को दिया था, हर कितना कभी हैदर कर रहा से लड़ना। लाया था खुदा की कसम, जहां मैंने पढ़ा है लोगों ने पेशानी चूमे, पहली बार आपकी दयारे मोहब्बत में आया हूं, मैं देखना चाहता हूं आप कैसे सुनते हैं। ना तीरो तबर देख ना तलवार से लड़ना, ज़ैनब ने सिखाया हमें गुफ्तार से लड़ना, दरिया से चला शेर तो शामी ये पुकारे, वो मौत की चाहत तो अलमदार से लड़ना। अरे 1400 बरस बाद भी कहता है सितमगर, मुश्किल है बहुत शह के आजादार। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर भाई, कियामत है, मुदस्सिर भाई आ गए हैं। मुश्किल है बहुत शह के आजादार से लड़ना,
बहुत शहके आजाद आर से लड़ना, मुश्किल है बहुत शहके आजाद आर से लड़ना, मुश्किल है बहुत शहके आजाद आर से लड़ना। अब आप पता नहीं चाचा ये कहाँ होंगे, गौहर दिखा देना मुझे बाद में ये कहाँ होंगे। मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ होता, मगर मैं बाद में आपको देख लूंगा। पूरी दुनिया आज आजादार को मारने पे तुली है भाई, पूरी दुनिया हमें मार रही है, चाहे जिसका दौर हो। आग में हम जलाए गए, पानी में हम डुबाए गए, दीवारों में हम चुनवाए गए, नैजे हमें मारे गए, भाले हमें मारे गए, खंजर हमें मारे गए, मगर इतिहास गवाह है कि हम कल भी थे, हम आज भी हैं। पता नहीं आप कहाँ हो, आप कहाँ होंगे मुझे नहीं पता कहाँ होंगे, तुम बेदार हो जाओ, पता नहीं ये कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, मगर चचा बोले चचा हम कल भी थे आज भी हैं रहेंगे, मगर पूरी दुनिया को आज डर है तो सिर्फ आजादार से। क्यों डर है और मार इसलिए रही हमें दुनिया कि महफिल बंद हो जाएगी, मजलिस बंद हो जाएगी। अरे उन अहमकों को मालूम नहीं है मार इसलिए रहे थे मजलिसें बंद हो जाए, मरने वाला एक मरा अपने पीछे पांच मजलिसें छोड़ गया। पता नहीं आप कहाँ होंगे, जिस मरहले पे आपको ला रहा हूँ आप खड़े होकर दाद देंगे इंशाल्लाह। पांच मजलिसें छोड़ गया भाई, कुछ लोग अभी भी गिन रहे हैं, अभी भी कंफ्यूज है गिनने में, अहमद भाई बाद में इन्हें बता दीजिएगा। पांच मजलिसें छोड़ गया अपने पीछे, लेकिन खुदा की कसम मौत दूसरों के लिए होगी कड़वी, हमारे लिए तो मीठी है। मौत जब जब हमसे गले मिली है पूरी दुनिया हमें जान गई है। दलील के दौर दे रहा हूँ कि शेख निम्र को कौन जानता था, जैसे ही मौत ने गले लगाया पूरी दुनिया जान गई कि शेख निम्र है कौन। खुदा की कसम जहाँ पढ़ा लोगों ने पेशानी चूमा है। मैं आपके दयारे मोहब्बत में ये शेर पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, मैं देखूँ आप कैसे सुनते हैं। शेख निम्र को 9 दिन बाद फांसी देना था, खुदा की कसम जिनके बाप के नाम कुरानदाजी से निकलते हों उन्होंने तत्काल में मीटिंग किया, हो गया। जिनके बाप के नाम चचा कुरान दादी से निकलते हो, दुश्मन अहले बैत को इतना तो कहना हक है, जिनके बाप के नाम कुरान दादी से निकलते हो, इसलिए कि ये कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। गौहर भाई काश ये कैमरा गदीर में भी होता, कैमरे के जरिए से पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि हम मारे जा रहे हक। खुदा की कसम सुबह होते ही फांसी दे दी गई शेख निम्र को, क्यों हुकूमत डरी, क्यों डरी, हुसैनी फिक्र को जहने जहां में घोल ना दे। कहां होंगे आप, पता नहीं आप कहां होंगे, हुकूमत क्यों डरी, पता नहीं आप कहां होंगे। जो खामोश बैठा खुदा की कसम रोजे मैं शर्म मेरा मुजरिम है, क्या हुसैनी फिक्र को जहने जहां में घोल ना दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल ना दे। क्यों दी गई हुसैनी फिक्र को जहने जहां में घोल ना दे, यजीदे वक्त के ये सारे राज खोल ना दे, यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मीसा में दमार बन के बोल ना। कहीं ये मी समेत मार बन के बोल ना दे, यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी, कहीं ये मी समेत मार बन के बोल ना दे, यही था हुक्म के दो जल्द निम्र को फांसी। आप थके तो नहीं, पढ़ दूं दो चार, इजाजत है एक बलंतरीन सलवात पढ़िए। पढ़ रहा हूं के दादा है तेरा हैदर करार सकीना, जितने शेर याद होते रहेंगे, क्योंकि मैं जिसकी भी महफिल हो मगर इस बीवी मजलूम इतनी है, मैं जिक्र जरूर करता हूं, कोई बात मैं जिक्र जरूर करता हूं, क्योंकि बड़ी मजलूमा बीवी है, इतनी जोर से बोलिएगा कि जिंदान तक आवाज चली जाए।
कि दादा है तेरा हैदर ए करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। मिसरे संभालिएगा, मिसरे संभालिएगा, कि दादा है तेरा हैदर ए करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार सकीना। दादा है तेरा हैदर ए करार सकीना, खुशी की रात ऐसी हंस हंस के गुजरना चाहिए, के दादा है तेरा हैदर ए करार सकीना, बाबा है तेरा खुल्द का सरदार सकीना। कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार, जोर से बोल दीजिए, इस पार है अब्बास तो उस पार। अब मिसरे बड़े नासू के संभालिएगा, के कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार सकीना। भर देंगे तेरी मश्क को अश्कों के सहारे, है इतने जमाने में आजादा सकीना। अरे क्या पढ़ रहा हूं, अली मौला मिल के बोल दो, मजमा गया था वो बहुत जल्दी आ गया है, बहुत जल्दी आ गया है, बस 5 मिनट मैं और पढ़ूंगा। के कश्ती को भला हो मेरी किस बात का खतरा, इस पार है अब्बास तो उस पार, इस पार है अब्बास तो उस पार। फर देंगे तेरी मश्क को अश्कों के सहारे, है इतने जमाने में आजादार भैया, है इतने जमाने में आजादार। अब एक भाई की फरमाइश हो गई है, भाई इजाज़त दे दीजिए, बहुत पुराना है मगर चाहता ये हूँ कि नया समझ के सुनिएगा। जैसा एक रदीफ थी कि एक मीरनीस ने कहा था कि झुलस झुलसा, एक उनका था बैत मुझे याद नहीं आ रहा है, कि मफहूम ये था कि इस तरीके से घर में आग लगा कि खैमा झुलस गया। मीरनीस भाई थी कि एक झुलसा, मैंने फिर उस्ताद से पूछा कि ये बताइए कि झुलसा किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जलने की 2 किस्में, एक जलने का नाम है जलना और एक का नाम है झुलसना। हमने कहा दोनों में फ़र्क क्या है, का फ़र्क बेटा ये है कि 75% जलने के बाद बचने का चांस है, मगर 100 में से 95% मिट जाने का नाम झुलसना है। रदीफ है झुलसा। अब शेर सुनिएगा, इंशाल्लाह लुत्फ उठाएंगे आप, कि कैसे कहूँ कि शाह का खैमा नहीं झुलसा। झुलसा समझ गए भाई की, मुदस्सिर भाई की फरमाइश है, मैं देखूं आपके बात तक कहां तक पहुंचती है, कि कैसे कहूं कि शाह का खैमा नहीं झुलसा, ये सच है कि कुरान का चेहरा नहीं झुलसा। मैं मिसरे पढ़ना चाहता हूं, कि ये सच है कि कुरान का चेहरा नहीं झुलसा। बेखौफ किया आग पे शब्बीर का मातम, सहरा की दुआ है कोई बच्चा नहीं झुलसा। बेखौफ किया आग पे शब्बीर का मातम, सहरा की दुआ है कोई बच्चा नहीं झुलसा। शेख पूरा वालों, एक लम्हे को अब्बास अगर गैस में आते,
फिर आपसे हम पूछते क्या क्या नहीं झुलसा। एक शेर मौला के तमाशे ने तेरी तोड़ दी गर्दन, तू शुक्र मना के तेरा चेहरा नहीं झुलसा। तारीख दा लोग बैठे अब आप पता नहीं कहाँ होंगे। मौला के तमाचे ने तेरी तोड़ दी गर्दन, तू शुक्र मना के तेरा चेहरा नहीं झुलसा। नस जो अब्बास का परचम मेरे घर पर, बस्ती तो जली मेरा मोहल्ला नहीं झुलसा। मोहल्ले को था नस्ब जो अब्बास का परचम मेरे घर पर, एक शेर था नस्ब जो अब्बास का परचम मेरे घर पर, बस्ती तो जली मेरा मोहल्ला नहीं झुलसा। खुतबों से तो दरबार जलाई थी ज़ैनब, खुतबों से तो दरबार जलाई थी ज़ैनब, क्या शाम के हाकिम तेरा चेहरा नहीं झुलसा। हर साल उठा हजरते अब्बास का परचम, आखिरी शेरा पता नहीं कैसे सुनेंगे। हर साल उठा हजरते अब्बास का परचम, क्या मुफ्तीए बिदअत तेरा फतवा नहीं झुलसा। Thank you.